असुरन स्थित राप्ती कॉम्प्लेक्स में गुरुवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश से कॉम्प्लेक्स के अंदर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। जलभराव के कारण ग्राउंड फ्लोर की दुकानों में बारिश का पानी घुस गया। बारिश का पानी घुस जाने से दुकानदारों को नुकसान भी उठाना पड़ा। इस संबंध में राप्ती कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों ने बताया कि जल निकासी के लिए बार बार नगर निगम के अधिकारियों को सूचित किया गया कि कॉम्प्लेक्स के पूर्व हिस्से से पिपराइच रोड से होकर बहने वाले नाले की सफाई करा दिया जाए और नाले का मरम्मत करवा दिया जाए, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से ना सफाई हुआ और ना ही मरम्मत कार्य, जिसका खामियाजा सभी दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। सूचना पाकर मौके पर नगर निगम के जोनल अधिकारी और मुख्य इंजीनियर भी पहुंचे तथा पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करने के साथ नाले की तत्काल सफाई कराया। साथ ही मुख्य इंजीनियर सुरेश चंद ने आश्वस्त किया कि बारिश के बाद नाले की मरम्मत करवा दिया जाएगा। इस संबंध में राप्ती कॉम्प्लेक्स के दुकानदार अंकुर पांडे, विकास गुप्ता, कमरुद्दीन एवं नगर निगम के जोनल अधिकारी प्रीतम सिंह वर्मा व मुख्य इंजीनियर सुरेश चंद ने कहा। मेरा नाम अंकुर पांडे है भैया। हम लोग के दुकानों में जो है एक बार और जो है पिछले बार भी जो है ठीक है इसी प्रकार बारिश तेज हुई थी, जिसके वजह से जो है कॉम्प्लेक्स में पूरा पानी यहाँ पे भर गया था और यहाँ पे इतने व्यापारी हैं, इतना नुकसान हो रहा है। लगभग जो है कई व्यापारियों का तो सारे कपड़े से ले कर सब कुछ खराब होते चला जा रहा है। नगर निगम, हम लोग जिला प्रशासन सबसे जो है मतलब जो है एप्लीकेशन दरख्वास्त हम लोग दिए थे, ठीक पिछले बार जब पानी भरा था तभी दिए थे, लेकिन किसी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। व्यापारी लोग एक तो कोरोना के वजह से जो है काफ़ी परेशान रहे, जिसके वजह से लोग जो है मतलब काफ़ी उनकी जो है मतलब अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और इस पानी के वजह से जो है जितना नुकसान हुआ है वो व्यापारी एकदम ट्राई ट्राई कर रहा है। हमारा नाम विकास गुप्ता। नगर निगम की तरफ से हमें दो चीज़ की सहायता मिल जाए। पहली सहायता मिल जाए कि ये हमारा जो ये नाले का पानी जो कि ये पानी जो हमारा बरसात का आता है उससे ज़्यादा पानी हमारा सड़क का नाले का जाता है, अगर वो मेरा रिपेयर हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा एक नगर निगम की तरफ से हमें अगर जनरेटर की व्यवस्था जो प्रॉपरली यहाँ पे हमेशा रहे, देखिए आप पानी का जल जमाव देख रहे हैं कितना ज़्यादा है और इसमें करोड़ मतलब 400 दुकानें हैं, 400 दुकानों के अगर आप जोड़ लेंगे तो लाखों रुपए का माल नुकसान है। तत्काल आप लोग अपने तरफ से भी, हमारे जनरेटर है सर, हमारा तो चल ही रहा था लेकिन अभी थोड़ा सा वो एयर लेने के कारण अभी वो तत्काल में भी ख़राब हो गया, लेकिन अगर प्रशासन के तरफ से भी अगर हमें बड़ा जनरेटर मुहैया करा दिया जाएगा तो और हमेशा रहेगा, तो ये इतनी जो त्रासदी होती है हमेशा नुकसान होता है, इससे हम लोग कुछ तो राहत रहेगा। दूसरा अगर ये रिपेयर हो जाएगा तो नाले का पानी जो हमारे इन करता अंदर की तरफ वो अंदर की तरफ आ जाए तो वो हमारा कुछ तो बचेगा, तो कम से कम जो इतनी त्रासदी होती पानी इतना नहीं आएगा। मेरा नाम कमरुद्दीन है, केडी फुटवेयर की हमारी दुकानें हैं, इसमें पानी इतना भर जाता है कि जिस सब दुकानों के अंदर पानी घुस गया, सामान जो नीचे रखा था सब भीग गया है। हम लोग जो है नगर निगम का किराया भी देते हैं, हाउस टैक्स वगैरह सब जमा करते हैं, फिर भी ये परेशानी झेलनी पड़ रही है और मेरा नगर निगम के लोगों से ही निवेदन है कि यहाँ तत्काल
पानी निकालने का जनरेटर की व्यवस्था करें ताकि जो है कुछ सामान वामान हम लोग नीचे निकाल के ऊपर रख सकें। कितना नुकसान हुआ है आप लोगों को? कम से कम जो है 2 लाख का नुकसान, सब पानी भर गया है, जो गोदाम है दोनों गोदाम में पानी भर गया, सब फुटवेयर का सामान है वो जब भीग गया सब सामान हो जाएगा खराब। राप्ती कॉम्प्लेक्स में देखो पानी भरने का मुख्य रीज़न ये है, उससे करीब 100 मीटर आगे जाके एक मकान बन रहा था, उसने जो गाड़ी निकाल के पूरा जो पत्थर टूटे तो उसमें बोरी भर के पत्थर तोड़ के पूरा नाला जाम कर रखा था, उसकी वजह से वहाँ का पानी आगे फ्लो नहीं कर पा रहा, वही ओवरफ्लो होके राप्ती कॉम्प्लेक्स में गया है, वैसे इतना पानी वहाँ पर नहीं लगता है, तो ये नाला खुलवाया जा रहा है और बाकी उसके लिए पंपिंग सेट की व्यवस्था की जा रही है, तो उसे मुस्लिम मंद में लग रहा है 1 घंटे में जो है उसका निदान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। बेसिकली जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर पीछे राप्ती कॉम्प्लेक्स है और ये थोड़ा लो लाइंग है तो अक्सर पानी यहाँ पर भर जाता है, तो यहाँ के जो व्यापारी हैं उन्होंने 2 पंप यहाँ रखे हुए हैं, पंप से वो पानी निकालते हैं अपना, और एक पंप आज थोड़ा सा ख़राब हो गया उनका तो इसलिए कम पानी निकल रहा है, तो हम एक पंप नगर निगम से यहाँ भिजवा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में 1/2 घंटे में यहाँ पर लग जाएगा तो सारा पानी निकल जाएगा। कुछ प्रॉब्लम इन्होंने बताई है कि जो नाला है बीच बीच में सफाई के दौरान वो क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे पानी बैकफ्लो करता है, तो मैंने यहाँ पे कहा है कि जैसे ही मौसम सही होता है हम तत्काल इसको सही करा देंगे।